नमस्ते। मेरे इस YouTube चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। ये जो वीक चालू होने वाला है 14 सितंबर, इस पे हमें व्यू लेना है। मिड मंथ आ चुका है, पिछले दो हफ्तों से हम रेंज बाउंड देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा सा नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड करता हम नजर आ रहे हैं। अभी इधर से क्या होने वाला है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तो मालूम है शुक्रवार को यानी कल एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ गई। अनाउंसमेंट ऐसी है कि मल्टी कैप फंड्स विल हैव टू इन्वेस्ट 25% ईच इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप। इसका एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है आप सभी को, तो ध्यान से सुनिए। पूरा वीडियो में आपको देखना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से स्टॉक्स लेने हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा ये आपको समझेगा। तो फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिए, पूरा वीडियो प्लीज देखिए। तो इस वीडियो में इसके अलावा आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसके अलावा आपको निफ्टी पे व्यू, इस बार बैंक निफ्टी पे भी व्यू है क्योंकि कुछ नए डेवलपमेंट्स देख रहे हूं मिले चार्ट पे, डेरिवेटिव डेटा देखेंगे, उसके बाद पीसीआर देखेंगे, वर्ल्ड मार्केट्स, रुपी, डॉलर, क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, इस पे ध्यान देंगे, विक्स देखेंगे, वोलेटिलिटी इंडेक्स, उसके साथ साथ हम आईटी सेक्टर जो क्या कर रहा है, कैसा ब्रेकआउट दिया नहीं दिया, ये सब देखेंगे। तो मेरा मानना है बहुत एक्साइटिंग वीडियो रहेगा, थोड़ा सा शायद लंबा रहेगा, पर आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, इसमें बहुत अच्छी लर्निंग आपको देखने को मिलेगी। सबसे बढ़िया बात है मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर, इस पे व्यू, और इधर से हम कैसे पैन आउट करना चाहिए ये भी आपको समझेगा। तो चलिए दोस्तों हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने एक अनलॉक 4 सितंबर स्पेशल ऑफर ये दिया हुआ है, आप इसका जरूर लाभ ले लीजिएगा। ऐसा डिस्काउंट जैसे आशीष सर ने भी पिछले वीडियो में कहा था, ये इसके पहले भी कभी नहीं हुआ, इसके बाद भी ऐसा डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। तो ये क्यों कर रहे हैं ये आपको समझेगा, जिनको इच्छा है सीखने की प्लीज इस ऑफर का लाभ ले लीजिए। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर मार्केट आउटलुक डेली। लास्ट वीक मैंने कहा था मैं आपको लेवल्स दूंगा, एग्जैक्ट वही लेवल से मार्केट ट्रेड करता नजर आ गया, तो ये रजिस्टर करना ना भूले। तीसरी चीज इधर है टेलीग्राम चैनल, तो मेरा मानना है कि टेलीग्राम चैनल पे आपको रजिस्टर करना है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो एकदम आसान है, आपको सिर्फ आपके मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना है और इधर जाके क्लिक करना है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप जुड़ जाएंगे, जहां पे मैं दोपहर को अगर कुछ चेंज होने वाला है मार्केट सिनेरियो तो वो लेवल्स में बताऊंगा और उधर से एक अच्छी मूव आपको कैप करते नजर आ सकते हैं। तो मेरा मानना है कि ये सारे एडवांटेजेस है, जैसे मैंने कहा मार्केट आउटलुक डेली में अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपको दो चीजें मिलती है, एक है मार्केट आउटलुक डेली जो सवेरे 6:30 से पहले आपको मिल जाता है पूरा प्लान कि कैसे बैंक निफ्टी निफ्टी ट्रेड होने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर होने वाली है तो वो भी बताई जाती है, और उसके साथ साथ मिलता है आपको केजे चार्ट्स। तो जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो आपको आपके क्रेडेंशियल डालने के बाद लॉगिन विद गूगल करना पड़ता है, और जैसे हम मैं अभी कर रहा हूँ वैसे लॉगिन करने के बाद आपको ये केजे चार्ट्स कंप्लीटली फ्री मिलेंगे लाइफ लॉन्ग के लिए। तो हम वो चार्ट्स ले रहे हैं, थोड़े से एडजस्टमेंट्स कर रहा हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था हम एक सिक्युलर अप ट्रेंड में है, अभी ट्रेंड लाइन वॉयलेट हो चुकी है क्योंकि हर ट्रेंड लाइन कभी ना कभी वॉयलेट होती है, पर इसमें देखना यह होता है कि ट्रेंड लाइन ने प्राइस को काटा है या प्राइस ने ट्रेंड लाइन को काटा है। तो अभी यह समझ में आता है, अभी ये समझ में आता है कि अभी प्राइस ने ट्रेंड लाइन को काटा है, सॉरी ट्रेंड लाइन, देखिए ये ट्रेंड लाइन है, ये होना क्या चाहिए कि ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके चलना चाहिए, पर जब मेरी ओर देखिए प्लीज, जब ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है और थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चालू कर देगा तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा ट्रेंड लाइन टूट रही है, पर वो सही नहीं होता। मेरा मानना है कि ये क्योंकि मार्केट साइडवेज चल रहा है तो आपको ट्रेंड लाइन टूटी हुई दिखती है, तो
तो जो इनएक्सपीरियंस्ड इन टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो बोलते हैं ट्रेंड लाइन टूट गई है, ट्रेंड लाइन टूटी नहीं है, अभी ट्रेंड लाइन को रीएडजस्ट करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि ये ट्रेंड लाइन अभी वैलिड नहीं है। तो अभी हम, जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी कहा कि हम साइडवेज में जाएंगे, एक मैराथन रन के बाद एक कंसोलिडेशन होना, टाइम करेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब रेस्ट लेगा तभी तो एनर्जी आएगी और वापस एक बार दौड़ कम कर पाएंगे। तो अभी के लिए मेरा मानना है कि अगर आपको ट्रेंड लाइन यूज करनी है तो आपको ये ट्रेंड लाइन यूज करनी है, देखिए, जो कि आपको साइडवेज मूव देखने को मिलेगा। ये जो टॉप है, ये जो टॉप है उसी पे सपोर्ट लेके हम गए, तो इस वैल्यू को बहुत मायने रखते हैं टेक्निकली। तो मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करके दिखाता हूं। तो इस टॉप को लिया, इस बॉटम को ज्वाइन किया, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन डाली है। तो जब तक इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है हम, तब तक मैं मंदी की बात नहीं करूंगा। मैं यही कहूंगा कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, रेस्ट ले रहा है, टाइम करेक्शन हो रहा है। अभी ऑन द हायर साइड कहाँ रहेगा ये लाइन? तो ये टॉप, एक मिनट में थोड़ा सा कॉम्प्रेस करता हूं ताकि आपको समझेगा। देखिए, ये अगर ज्वाइन करता हूं तो यही आता है। तो इनिशियली जो बॉटम्स थे, ये टॉप यानी जो सपोर्ट थे, वो टूटने के बाद वही रेजिस्टेंस का काम करते हैं, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस दायरे में हम ट्रेड करते नजर आएंगे। जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे इस दायरे में, उतना बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको आते हुए देखेंगे। तो तभी एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, नहीं तो अभी रेंज बाउंड में ही काम करते नजर आएंगे। तो मेरा मानना है कि इसका एडवांटेज लेना चाहिए। अभी आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पे है। ये जो दिख रहा है आपको, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है। ओके, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से है, समझ में आ गया। अभी शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो शॉर्ट टर्म में हमें देखने को मिल रहा है ये तीन बॉटम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत नेगेटिव न्यूज आ चुकी है मार्केट में और ये तीनों बॉटम्स 22,000 के आसपास के हैं। तो जब तक 22,100 22,000 होल्ड करता है, तब तक ये लेवल देखने को नहीं मिलेंगे। अगर वो होता है तो 1,000 पॉइंट के लगभग लगभग फॉल देखने को मिलेगा, पर फिर भी ये करेक्टिव रैली या इंटरमीडिएट ट्रेंड ही कहलाएगा। तो मेरा मानना है कि एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के लिए यानी डेली बेसिस पे 22,100 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है। अगर ये होल्ड करते हैं अगले 2-3 दिन, तो हमें एक अच्छी रैली ऑन द हायर साइड 23,000 23,500 ये एक पुल बैक रैली देखने को मिलेगी। तो बैंक निफ्टी पे व्यू आपको पता चल गया। अभी हम आते हैं डेरिवेटिव डेटा पे, एनएससी पे जाएंगे, निफ्टी निफ्टी डेरिवेटिव्स, निफ्टी डेरिवेटिव्स के बाद ऑप्शन चेन में जाएंगे। जैसे मैं ऑप्शन चेन खोलूंगा, निफ्टी कल 11,460 के 460 का क्लोज है, तो 11,450 के स्ट्राइक प्राइस से चालू करना चाहिए। देखना, ये देखिए, अगर हम देखते हैं तो 11,500 में सबसे बड़ी एक्टिविटी है। इसका ये मतलब है कि ये क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम इंट्राडे चार्ट देखते हैं तो अंडर करंट हमें देखने को मिल रहा है, हमें सेलिंग नहीं देखने को मिल रही है। शायद रिलायंस एक फैक्टर है जो कि सपोर्ट कर रहा है, पर एनीवेज पिछली रैली भी रिलायंस लेड थी, उसके बाद रिलायंस शांत हुआ और बाकी के स्टॉक्स परफॉर्म करते नजर आए। तो अभी भी हम यही देख रहे हैं कि अभी इस वक्त 11,500 एक इंपॉर्टेंट बैरियर है। ये जैसे टूटेगा तो हमें हायर लेवल्स देखने को मिलेंगे। ऑन द लोअर साइड सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 11,300 और नीचे में 11,000 में अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है।
तो जब तक 11,300 नहीं टूटता है, जो कि 26,000 शेयर्स है, तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल जाना चाहिए। ओके, और बैंक निफ्टी पे देखेंगे। बैंक निफ्टी में अगर देखते हैं इस हफ्ते के लिए, तो क्लोज था 22,480, तो 22,500 से हम देखेंगे क्या कैसे ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन पैन आउट की है। देखिए 22,500 से डायरेक्ट 23,000 पे ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो 22,500 जैसे ही निकलता है और स्ट्रांगली निकलता है, तो मेरा मानना है कि नेक्स्ट लेवल डायरेक्ट 23,000 है, और नीचे में हम देखते हैं तो सीधा 22,000 है। सो 22,000 और 23,000 इसी दायरे में हम बैंक निफ्टी पे ट्रेड करते नजर आएंगे। मैंने चार्ट्स पे भी बताया था आपको, जो इंपॉर्टेंट लेवल है देखने के लिए, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए, तो वही डेटा हमें डेरिवेटिव डेटा में देखने को मिल रहा है। तो ये डेटा कंफर्म करता है हमारे टेक्निकल एनालिसिस के ट्रेंड लाइंस वैलिड है। अभी आते हैं हम पीसीआर पे, तो पीसीआर अगर देखते हैं, पीसीआर एकदम कंफर्टेबल एरिया में है। शुक्रवार का क्लोज 1.493 था, इसका मतलब है हम कंफर्टेबल जोन में है। देखिए ये मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था, 1.2 के नजदीक आता है तो इधर से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, तो वैसे ही हुआ। इंडेक्स ने बाउंस बैक दिया, एक बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया, और ये पीसीआर हमें बताता है कि दिस इज अ लुक्रेटिव लेवल फॉर गोइंग लॉन्ग। तो मेरा मानना है कि ये पीसीआर डेटा आपको ध्यान देना चाहिए, और पीसीआर डेटा जैसे मैंने कहा था आपको हमारे वेबसाइट पे जरूर देखने को मिलता है। तो अगर मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, मैं ये सिर्फ बार बार बताता हूँ क्योंकि कई लोग फर्स्ट टाइमर्स है, तो मेरा मानना है कि हर घंटे आपको इधर पीसीआर डेटा क्या है ये अपडेट मिल जाता है, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, हमने आपको रेडीमेड दिया है। तो आप बिल्कुल हमारे वेबसाइट पे हर घंटे आइए। पहले पहला अपडेट होता है 10 बजे, 10, 11, 12 ऐसे करके 3 बजे तक, और फाइनली 3:30 का पीसीआर आपको देखने को मिलता है। तो हर घंटे ये अपडेट हो जाता है। अभी आते हैं हम वर्ल्ड मार्केट्स पे, तो वर्ल्ड मार्केट्स अगर अच्छा, पहले हम वर्ल्ड मार्केट से पहले मैं आपको मिड कैप और स्मॉल कैप जो नोटिस आई है, तो नोटिस भी देखेंगे 1 मिनट। सेबी सेबी रूलिंग नोटिस है ये, तो सेबी का ये नोटिस है, सर्कुलर आ गया है शुक्रवार को 11 सितंबर, और इसमें यही लिखा है कि मल्टी कैप फंड्स जो है उनको कंपलसरी किया है कि 25% मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स है उसमें स्पेसिफिक काउंटर्स पे एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और एक गुड न्यूज, जो हमारे मेंबर्स है उन्होंने मंडे को सवेरे 7 बजे से पहले, शायद मैं आपको संडे को ही अपडेट करूंगा, संडे को आपको फ्रॉम द डेस्क ऑफ किरण जाधव पढ़ना है। फ्रॉम द डेस्क ऑफ किरण जाधव, ध्यान से सुनिए, उधर मैं स्टॉक्स देने वाला हूं मिड कैप वाले जो कि आउट परफॉर्मर हो सकते हैं। सिर्फ स्टॉक के नाम दूंगा और आपको कब खरीदना है, एक्यूमुलेट करना है, वो स्ट्रेटेजी हम बताएंगे फ्रॉम द डेस्क ऑफ किरण जाधव में। तो ये मेरा न्यूज़लेटर पढ़ना ना भूलिएगा, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी आते हैं हम मिड कैप पे आते हैं, तो मिड कैप सेक्टर का चार्ट क्या कह रहा है? तो मेरा मानना है कि देखिए एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन मूव में थे हम एक अच्छी रैली के बाद, और कोविड की वजह से बहुत जोर से टूटे और वापस एक बार एक अच्छा पुल बैक आ गया है। ये पुल बैक आने के बाद मैंने दो ट्रेंड लाइन खींचे, एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन जो कि आती है इस लेवल पे लगभग 4,800, कल का क्लोज 4,600 है, तो 4,800 900 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। ये कंसोलिडेशन भी स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है, इधर भी कुछ वीकनेस नहीं देखने को मिल रहा, अभी भी हम अप ट्रेंड में ही है, कंसोलिडेशन फेज है। और जैसे ही हम 5,000 जो कि बहुत लंबा ट्रेंड लाइन है, और ये लंबा ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अप्रैल 2019 का ट्रेंड लाइन है, तो 2019 से लेके जो अगर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिलता है तो एक बहुत बड़ा, और जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा है हमसे उनको ये देखने को मिलेगा कि एक बहुत ही बेहतरीन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनने जा रहा है जिसका ब्रेकआउट 5,000 के ऊपर आएगा। जैसे ये ब्रेकआउट आएगा इसमें
बहुत बड़ा रिटर्न मिलने वाला है। वैसे भी स्मॉल कैप और मिड कैप के कई काउंटर्स है जो कि लुक्रेटिव लेवल्स पे मिल रहे हैं, और अगर ये स्टॉक्स इधर से ये इंडेक्स अगर ब्रेकआउट देता है तो इसका टारगेट आता है लगभग 7,000। तो 7,000 का टारगेट मिड कैप इंडेक्स में, मिड कैप 50 में देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि ब्रेकआउट के बाद यानी 5,000 के लेवल के टूटने के बाद ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा। अगर मैं और एक ट्रेंड लाइन डालूं तो ये भी एक्ट करेगा। देखिए ये सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन। तो पूरी हिस्ट्री अगर देखते हैं तो ये हिस्टोरिकल ब्रेकआउट आएगा और एक नया हाई बनता नजर आएगा। एक्साइटमेंट है मिड कैप सेक्टर में। दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, अभी पोजिशंस लेना है तो आपको थोड़ी सी इलिक्विड काउंटर्स हो गए क्योंकि लोग अननेसेसरी पोजिशन नहीं ले सकते सेबी रूलिंग के हिसाब से। तो मेरा मानना है कि अभी जो बाइंग होगा वो डिलीवरी बेस्ड बाइंग होगा। तो आज आप खरीदोगे और 2 महीना 3 महीना 6 महीना रखोगे तो उधर बहुत ही बड़ा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आपका जो स्टॉक सिलेक्शन होना चाहिए वो अच्छा है। अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन नहीं करना है तो आपको स्मॉल कैप एंड मिड कैप काउंटर्स म्यूचुअल फंड्स देखने चाहिए। थोड़ी थोड़ी हर महीने में डालते रहो, बहुत अच्छा फायदा आपको उधर भी देखने को मिलेगा, पर वो कंपैरेटिवली स्टॉक के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा। पर मेरा मानना है कि अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हो, अगर आपने वर्कशॉप किया हो तो आपको स्टॉक सिलेक्शन कैसा करना है वो आपको पता है। और दूसरी बात क्या है, आप लाइफ टाइम सपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। आप हमें भेजिए जो सपोर्ट सिस्टम पे, हम बताएंगे आपको कि आपका स्टडी बराबर है क्या नहीं। जो आपको सिखाया गया है उसका एडवांटेज ले लो। study@kiranjadhav.com पे ईमेल करो आपका स्टडी, आपको पूरी पूरी तरह से लाइफ टाइम सपोर्ट का जो प्रॉमिस दिया है उसका आपको लाभ लेना चाहिए। तो मेरा मानना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप पे थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। इधर से 3 साल का व्यू लेके बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम वर्ल्ड मार्केट्स पे। तो वर्ल्ड मार्केट्स जाते हैं और इधर भी हम सपोर्ट लेते नजर आ रहे हैं, बिल्कुल हम उसके ऊपर है तो कोई डरने की बात नहीं है। हमने 3 बार वही लेवल्स टेस्ट किए हैं और अगर इधर से वापस यू टर्न लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं देखने को मिल जानी चाहिए। तो हमारी जो ट्रेंड लाइन थी पिछले हफ्ते, एग्जैक्टली वही ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहे हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंस होता है वो लेवल्स पे। उसके बाद हम रुपी डॉलर पे जाएंगे। इतने बड़े फॉल के बाद यानी इतने बड़े एप्रिसिएशन के बाद हम थोड़ा सा साइडवेज चल रहे हैं, पर जैसे मैंने कहा 73 बहुत अच्छा सपोर्ट है। 73 टूटता है तो स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी और ऑन द पुल बैक सिनेरियो मुझे लगता है कि ये जो 74.50 की लेवल है इसके हम ज़्यादा नीचे नहीं देखने को मिलेगा, इसके ऊपर हम डिप्रिशिएट नहीं होगी रुपी। तो मेरा मानना है कि 74.50 और 73 ये ब्रॉड रेंज में रुपी ट्रेड करता नजर आएगा। अभी हम क्रूड देखेंगे। क्रूड में थोड़ी सी गिरावट आ गई है, ये हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। मेरा मानना है कि अभी 3000 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, इसके ऊपर नहीं जाते देखेंगे और शायद हम अगले 1-2 हफ्ते में 2380 ये लेवल टेस्ट करते नजर आएंगे। तो इधर थोड़ी सी और मंदी देखने को मिलेगी। 2400 राउंड फिगर पकड़ लीजिए, 2750 पे है तो और इधर से हम क्रूड गिरता नजर आ जाना चाहिए। वैसे ही हम अभी गोल्ड पे देखेंगे। तो गोल्ड में मेरा मानना है कि जिस तरीके से चार्ट पैटर्न है हम साइडवेज में ही है, वापस एक बार वही लेवल्स इंपॉर्टेंट है। जो 50,000 की लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 52,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल्स हम क्रॉस नहीं करते तब तक कुछ डिसाइसिव मूव नहीं। सिमिलरली सिल्वर में भी आपको दिखेगा, सिल्वर भी साइडवेज में ही है।
60,000 और 70,000 ये बड़ा रेंज है, इसी रेंज में हम ट्रेड करते नजर आएंगे। तो मेरा मानना है कि अभी विक्स देखने का टाइम आ गया है, विक्स देखेंगे, कंफर्टेबल जोन में है, साइडवेज में है विक्स बिल्कुल। जब तक मैंने लास्ट टाइम भी कहा था 28 के ऊपर जाता नहीं है, तब तक आपको कोई डरने की बात नहीं है, कंफर्टेबल जोन है, हम रेंज बाउंड ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। 28 के ऊपर ही प्रॉब्लम है, तब तक 28 का अगर लेवल तोड़ना है तो हम इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने कहे साइड निफ्टी पे वो टूटते नजर आएंगे। तो अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखने को मिलेंगे अगले हफ्ते, तो मेरा मानना है कि आपको उधर ध्यान देना चाहिए। अभी सेक्टर देखेंगे, निफ्टी आईटी, इस पे मैंने ध्यान देने के लिए बोला था, इसमें ब्रेकआउट आ चुका है वीकली बेसिस पे, इसने कई बार टेस्ट किया। हमारा लेवल था 18,375, अभी हम कंफर्टेबली ऊपर है 18,633। मेरा मानना है कि पिछले बार भी मैंने कहा था आपका ध्यान आईटी सेक्टर पे होना चाहिए, आईटी स्टॉक्स पे होना चाहिए। पिछले हफ्ते देखिए टीसीएस ने बहुत अच्छा मूव दिया, एचसीएल टेक ने दिया, टेक महिंद्रा ने दिया, विप्रो ने दिया, मैस्टेक ने दिया, मैंने 10 की कमाई में बोला था, बहुत बड़े बड़े मूव्स देखने को मिले। तो आपका ध्यान थोड़ा सा उधर रहना चाहिए, बहुत बड़ी मूव्स आपको मिल रहे हैं, माइंड माइंड्री पे ध्यान दीजिएगा। तो ये अच्छे सिलेक्टिव काउंटर्स है, अगर आप पकड़ते हो तो बेहतरीन मूव्स आपको देखने को मिलेंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बहुत अच्छे स्टॉक्स है, ये आपको जब ब्रेकआउट देता है तो इस पे पाउंस करना चाहिए, इसमें होल्ड करके चलना चाहिए, बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। अभी ये देखिए ऑल टाइम हाई, लाइफ टाइम हाई, ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी। तो आपका अगले हफ्ते के लिए ध्यान इधर होना चाहिए, मैंने कई नाम लिए हैं, उसके चार्ट देखिए, अगर उधर ब्रेकआउट है तो आप बहुत अच्छी कमाई करेंगे। तो मेरा मानना है, जैसे मैं हर बार बोलता हूं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, इस पे ध्यान दीजिएगा और ट्रेंड के साथ रहिएगा। ये अभी आईटी इंडेक्स का दौर चल रहा है, रिलायंस चल रहा है, तो ये काउंटर्स आपको अच्छी तरह से आउट परफॉर्मेंस देते नजर आएंगे। बैंकिंग क्षेत्र में मैंने कहा इंपॉर्टेंट सपोर्ट से एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में बहुत नेगेटिव न्यूज बिल्टअप है, अगर इधर से अगर ये सपोर्ट होल्ड करते हैं तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। नॉर्मली थर्ड हफ्ता बहुत क्रूशल होता है क्योंकि फोर्थ हफ्ते में रोल ओवर्स देखने को मिलते हैं। तो मेरा मानना है कि आज इसमें आपको बहुत अच्छे रोल ओवर्स देखने को मिलेंगे अगले हफ्ते पर, आ भी शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके का मैंने होलिस्टिक व्यू दिया है उसका आपको एडवांटेज मिलेगा। और दोस्तों, फ्रॉम द डेस्क ऑफ किरण जाधव देखना ना भूलेगा, क्योंकि उधर आपको स्टॉक्स मिलने वाले हैं जो कि अगले 3 साल में आउट परफॉर्मेंस देंगे स्मॉल कैप एंड मिड कैप क्षेत्र में। तो चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलेंगे अगले हफ्ते, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।